अंसारी S7 क्लब को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि हर वीडियो आप देख पाएं सबसे पहले। देखिए, आज की वीडियो में मैंने टी शर्ट को किस तरीके से चेंज करना है ये वीडियो बनाई है। मैंने पहले भी ये वीडियो बनाई थी पर बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे हैं कि इस वीडियो को दोबारा बनाएं, तो देखिए आज मैंने इसका पार्ट 2 बनाया है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एकदम बताऊंगा कि किस तरीके से आप टी शर्ट चेंज कर सकते हैं। तो आपको वीडियो को जो है शुरू से लेके आखिर तक देखते रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि आप जो है अपने फ़ोटो को इसके अंदर ऐड करें। देखिए फ़ोटो वही है, बस मैंने इसका वो क्रॉप करके छोटा करा है ताकि आप सही से समझ सकें, और इसका बैकग्राउंड भी चेंज किया है। तो आपको डायरेक्ट अपने फ़ोटो को ओपन कर लेना है और यहाँ पर जो है एक एम्प्टी लेयर्स जो है ये हम इसे नीचे कर देंगे। देखिए नीचे एक पेज होना चाहिए, तो हम इसे वाइट कर देते हैं। यहाँ पर एक पेज लिए बिना कभी भी कोई फ़ोटो ऐड ना करें, नहीं तो आपका फ़ोटो जो है वो HD में सेव नहीं होगा। तो यहाँ से अब मैं एम्प्टी लेयर्स लेता हूँ और अपने टी शर्ट का फ़ोटो इसके अंदर ऐड करता हूँ। जो भी टी शर्ट आप चाहें वो बदल सकते हैं, बस आपको ट्रिक का फॉलो करना है। तो मैं आज ये वाली टी शर्ट जो है चेंज करूँगा, तो इसको मैं जो है वो फुल साइज़ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर फुल साइज़ करने के बाद आपको ये करना है कि इस फ़ोटो को रख दें और अपने फ़ोटो के नीचे रखें। देखिए ये फ़ोटो जो है अपने फ़ोटो के नीचे और वाइट पेपर के ऊपर। उसके बाद अपने फ़ोटो की आप क्वांटिटी कम करेंगे तो नीचे का फ़ोटो आपको साफ दिखाई देगा। अब जो है हम नीचे वाले टी शर्ट वाले फ़ोटो को जो है इसे क्लिक करके इसे और एडजस्ट करेंगे फर्स्ट ऑप्शन लेने के बाद। तो यहाँ से हम इसे एडजस्ट कर देते हैं, इसे एकदम बरोबर अपनी टी शर्ट के नीचे रखें। ठीक है, नीचे वाला फ़ोटो थोड़ा बड़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर आपका टी शर्ट पूरा कवर हो जाए इस तरीके से आपको नीचे रखना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। ये देखिए हमारा फ़ोटो है, अब इसकी हम क्वांटिटी कम करके देखते हैं। तो ये देखिए एकदम बरोबर मैंने अपनी टी शर्ट के नीचे इसे सेट किया है। इस तरीके से आपको नीचे एकदम प्रॉपरली एकदम इसके नीचे सेट करना है। उसके बाद आपको रबर ले लेना है। रबर लेने के बाद जो है टी शर्ट को आप इरेज करें। तो आपको एक बात दूसरी मैं आपको एक बता दूं कि आप चाहें कि एक टी शर्ट में डाउनलोड कर लूँ नेट से, अपने पीछे रख के डायरेक्टली इरेज करके जो है वो चेंज कर लूँ, तो देखिए ये इतना भी सिंपल नहीं है। आपको एक पार्ट में ये टी शर्ट चेंज नहीं होगी, आपको 2 से 3 बार इसे सेट कर करके काटना होगा, तब जाके ये आपका टी शर्ट चेंज होगा। तो किस तरीके से वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। पहले हम जो है आधे टी शर्ट को इरेज कर लेते हैं। आप जो है पहले बीच का भाग जो है चेस्ट का भाग है उतने भाग को इरेज करें, और आपके दोनों हैंड का भाग है वो हम प्रॉपरली दूसरे तरीके से करेंगे। किस तरीके से चेंज करना है वो मैं आपको बताता हूँ आगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने पहले पार्ट में भी बताया था, पर बहुत लोग जो है सब्सक्राइबर मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस वीडियो का रीमेक बनाया जाए और सही तरीके से बनाया जाए। तो मैंने ट्राई किया है, शायद आप लोगों को पसंद आए, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, और काफ़ी वीडियोस जो है मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। तो इस तरीके से रबर की साइज़ जो है बड़ी छोटी करने के बाद, स्मॉल लार्ज करने के बाद, आप जो है इस तरीके से पूरा इरेज कर दें। अगर आपको टी शर्ट की पैटर्न सही जगह पर नहीं है तो आप उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप पहले अपना टी शर्ट इस तरीके से इरेज करें और उसके बाद जो है आपकी टी शर्ट की पैटर्न को भी आप सेट कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए आप जो है आप नीचे वाले फ़ोटो को सिलेक्ट कीजिए और इसे एडजस्ट कीजिए, और इस तरीके से आप जो है इसकी पैटर्न को छोटी बड़ी भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं इसे कर देता हूँ, देखिए पैटर्न बड़ी कर देता हूँ। अब जो है प्रॉपरली ये सेट हो गया है। अब कुछ अगर इससे रह गए इरेज करने के तो आप इरेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक गलती हुई है, क्योंकि फ़ोटो पे आपके क्लिक होना चाहिए, आपके फ़ोटो पे क्लिक होगा तभी इरेज होगा, गलत फ़ोटो पे अगर क्लिक होगा तो गलत फ़ोटो इरेज होगा। अब इसे ओके कर देते हैं। अब जो है पार्ट 2, अब हम हैंड पे काम करेंगे, अपना आस्तीन किस तरीके से बदले। तो आपको ये करना है कि फिर से आप ड्रॉ में चले जाएं, और ड्रॉ में जाने के बाद जो है फिर से वही टी शर्ट का फ़ोटो आप जिसमें ऐड करें। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप ये टी शर्ट जो है चेंज करना चाहते हैं तो। अब इसे हम आधा ही लेंगे, फुल फ़ोटो मत ऐड कीजिए, आधा फ़ोटो इसका 50% फ़ोटो आप इसे क्रॉप कर लें और इसके अंदर ऐड करें। ऐड करने के बाद पहले वाली ट्रिक आप इसमें फॉलो करना होगा। तो किस तरीके से, चलिए देखते हैं। नीचे कर देते हैं
और यहाँ पर देखिए मैं एक फ़ोटो लेना भूल गया यहाँ पर वाइट पेपर, तो मैं एम्प्टी लेयर्स ले लेता हूँ और अपने फ़ोटो के नीचे रख देता हूँ सबसे नीचे, और इसे वाइट कर देता हूँ, क्योंकि अगर ये फ़ोटो नहीं होगा तो हमारा फ़ोटो HD में सेव नहीं होगा। अब आपको दिखाते हैं, यहाँ पर अपनी फ़ोटो की क्वांटिटी कम कीजिए और टी शर्ट को अपनी जगह पर सही तरीके से एडजस्ट कीजिए, ठीक है, एकदम प्रॉपरली। आपको बाकी का हिस्सा का ध्यान नहीं रखना है, आपको सिर्फ आपकी अस्तिन मतलब हैंड का ध्यान रखना है। चलिए दिखाता हूँ किस तरीके से। देखिए मैंने एकदम परफेक्ट जो है प्रॉपरली अपनी अस्तिन के हैंड के एकदम नीचे रखा है। देखिए सही तरीके से नीचे रखने के बाद आपको वही करना है कि अपने फ़ोटो पे क्लिक करें और रबर ले लें। आपको ऊपर वाले फ़ोटो पे क्लिक करके रबर लेना है, तभी आपको नीचे का फ़ोटो मिलेगा, नहीं तो आप गलत फ़ोटो पे क्लिक करके अगर इरेज करेंगे तो टी शर्ट वाला जो है पार्ट इरेज हो जाएगा। तो आपको अपने फ़ोटो पे क्लिक करना है और फिर इसे इरेज करना है। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया एक पेपर के ऊपर दूसरा पेपर रखना, तो इस तरीके से आपको इरेज कर देना है। देखिए यहाँ पर कुछ गलतियाँ हो गई, यहाँ पर टी शर्ट की जगह हैंड आ गया देखिए नीचे, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे ये जो है एडजस्ट कर देते हैं। टी शर्ट पे क्लिक किया हमने और इसे सही तरीके से एडजस्ट करते हैं। अब आप इसकी पैटर्न भी छोटी बड़ी अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो अब इतना होने के बाद जो है आप इसे फिर से ओके करें और फिर से ड्रॉ में जाके वही ट्रिक को दोबारा फॉलो करें। तो किस तरीके से, चलिए एक बार और देख लेते हैं ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए। ये पेज को वाइट कर देते हैं ताकि हमारा फ़ोटो HD में मिले हमें, और फिर एम्प्टी लेयर्स लेने के बाद वही फ़ोटो को वही टी शर्ट को दोबारा ऐड करते हैं। अब जो है वो हम राइट हैंड की तरफ को 50% हिस्सा लेंगे और इसे प्रॉपरली इसमें ऐड करेंगे। तो वही ट्रिक है, पर आप दोबारा देख लें आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। तो यहाँ पर रख देते हैं और फिर जो है इस फ़ोटो को अपने फ़ोटो के नीचे रख दें और अपने फ़ोटो पे क्लिक करके उसकी क्वांटिटी कम करें और फिर टी शर्ट पे क्लिक करके इसे एडजस्ट करें आपके हैंड के प्रॉपरली एकदम नीचे, तभी ये फ़ोटो सही तरीके से इरेज होगा। तो हमने रख दिया, चलिए देखते हैं ये प्रॉपरली तरीके से मतलब अपने टी शर्ट के नीचे एडजस्ट हुआ है या नहीं। तो देख लेते हैं इसकी क्वांटिटी को कम करके। तो अपने फ़ोटो पे क्लिक करता हूँ और मैं इसकी क्वांटिटी देखिए ये पूरा प्रॉपरली मेरे फ़ोटो के नीचे ही एडजस्ट हुआ है। अब जो है मैं रबर ले लेता हूँ और इसे सही तरीके से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। रबर की साइज़ को आपको छोटा बड़ा कर लेना है अपने हिसाब से, जो भी जिस टाइम में आपको जितने रबर की ज़रूरत हो उतना उसकी साइज़ जो है बड़ी या छोटी कर दें। तो इस तरीके से इरेज करने के बाद जो है हम इसे भी इसकी पैटर्न को भी सेट करेंगे। देखिए यहाँ पर गलती हो गई है तो हम इसे भी सुधार देंगे। किस तरीके से, तो हम अब टी शर्ट पर क्लिक करते हैं और इसे सही तरीके से एडजस्ट कर देते हैं। इसकी पैटर्न को आपकी पैटर्न से मैच हो इस तरीके से इसे बड़ा कर दीजिए। तो ये देखिए हो गया। अब जो है हमें देखिए नेक का हिस्सा जो है हमारे रह गया है ड्रॉ करने का, तो यहाँ से ब्लैक कलर ले लें और उसके बाद यहाँ से एक एम्प्टी लेयर्स लें ताकि जो आप कलर ड्रॉ करें वो एम्प्टी लेयर्स पे आए, तो गलती हो तो आप उसे इरेज भी कर सके। तो एम्प्टी लेयर्स लेते हैं और फिर इसे देखिए जूम करके हम इसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ, ये इस तरीके से ड्रॉ हो गया। अब इसे हम ओके करके सेव कर लेते हैं। देखिए ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी, तो वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।